तो दोस्तों फाइनली बीसीसीआई ने आईपीएल 2021 के बाकी बचे हुए मैच का शेड्यूल अनाउंस कर दिया है। कौन सी डेट को बाकी बचे हुए मैच होने वाले और वेन्यू क्या रहने वाला है और कितने बजे ये मुकाबले होने वाले और कितने डबल हेडर होने वाले हैं और कितने दिनों तक ये मुकाबला चलने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ, तो दोस्तों पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो दोस्तों फाइनली बीसीसीआई को आईपीएल 2021 के बाकी बचे हुए मैच का वेन्यू मिल चुका है। अब आईपीएल 2021 के बाकी बचे हुए मैच हमको यूएई में देखने को मिलने वाला है। इससे पहले खबर ये आ रही थी कि इंग्लैंड और श्रीलंका ये दोनों जगह में थे, किसी एक जगह होगा, लेकिन अब फाइनली बीसीसीआई ने वेन्यू की घोषणा कर दी। अब यूएई में आईपीएल 2021 के बाकी बचे हुए 31 मैच हमको देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों बात करते हैं आईपीएल 2021 के बाकी बचे हुए मैच कौन सी तारीख से स्टार्ट होने वाले। तो 19 सितंबर से बाकी बचे हुए मैच स्टार्ट होने वाले और 10 अक्टूबर को फाइनल मुकाबला खेला जाने वाला है। तो दोस्तों वैसे आपको खबर, तो 19 सितंबर को जो पहला मुकाबला रहने वाला है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में होने वाला है, यानी कि आईपीएल 2021 का 30वां मुकाबला जो होने वाला है केकेआर वर्सेस आरसीबी के बीच में होने वाला है। वहीं 10 अक्टूबर को हमको फाइनल देखने को मिलने वाला है और भी यूएई में। इससे पहले आईपीएल 2020 का जो सीजन हुआ था सभी मैच यूएई में हुए थे और काफ़ी बेहतरीन गया था, जिसकी वजह से यूएई बेस्ट चॉइस है बीसीसीआई का, जिसकी वजह से बीसीसीआई ने ये कंफर्म कर दिया है कि आईपीएल 2021 के बाकी बचे मैच यूएई में होने वाले हैं। तो दोस्तों बीसीसीआई को बहुत ही कम समय मिला है आईपीएल 2021 के बाकी बचे हुए मैच कराने के, तो ऐसे में बीसीसीआई नया शेड्यूल जो अनाउंस करेगी उनमें से डबल हेडर काफी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। अगर 20 से 21 दिनों में टोटल 31 मैच करवाने होंगे, इस 20-21 दिनों में टोटल 4 गैप रहने वाले हैं क्योंकि एक एलिमिनेटर मुकाबला होने वाला है, तो वही 2 क्वालिफायर रहने वाला और एक मुकाबला फाइनल रहने वाला है, जिनमें 4 दिन का गैप हमको देखने को मिलने वाला है। तो जिस हिसाब से चलेगा तो बीसीसीआई शेड्यूल में काफी बड़े बदलाव करने वाला है और उस बड़े बदलाव में हमको डबल हेडर ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं। वही जो पहला मुकाबला होने वाला है वो दोपहर को 3:30 बजे होगा पहला, और दूसरा जो मुकाबला रहने वाला है 7:30 PM को रहने वाला है। जिस दिन डबल हेडर होगा पहला मुकाबला 3:30 PM, दूसरा जो मुकाबला रहने वाला है 7:30 PM को रहने वाला है। वहीं अगर आपको लाइव देखना है तो लाइव आप देख सकते हो, स्टार स्पोर्ट नेटवर्क पर दिखाया जाएगा सेम टाइम पे। तो अगर आपको लाइव स्ट्रीम यानी कि मोबाइल फ़ोन में देखना है तो मोबाइल में आप आराम से हॉट डिस्नी प्लस हॉट स्टार पर देख सकते हो। वहीं आप कुछ ऐप है जिस पर आप फ्री में देख सकते हो। अगर आपको नॉर्मल स्कोर जानना है तो आप क्रिक बस या फिर गूगल पर सर्च करके देख सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।